So this Govardhan Ashtakam is glorifying the hill Govardhan. Very beautiful verses, 8 verses in Sanskrit. This is the song. So all of you listen to this in the glorification of Govardhan, Giriraj Govardhan. Krishna Prasadena Samasta Shaila Samrajamapnoti Cha Vairinopi Krishna Prasadena Samasta Shaila Samrajamapnoti Cha Vairinopi Shakrasya Yah Prapabalim Sasaksha Govardhano Medishatam Abhishtham Shakrasya Yah Prapabalim Sasaksha Govardhano Medishatam Abhishtham Hastambhujasau Kumaryam Sukhanubhuterati Bhumi Vrittehe Sukhreshta Hastambhujasau Kumaryam Sukhanubhuterati Bhumi Vrittehe Mahendra Vajrahatim Api Ajanan Medishatam Abhishtham Mahindra Vajrahatim Abhiyajanan Govardhano Medishatam Abhishtham Yatraiva Krishna Vrishabhanu Putrya Danam Grahitam Kalaham Vitene Yatraiva Krishna Vrishabhanu Putrya Danam Grahitam Kalaham Vitene Shrute Spriha Yatra Mahat Yata Shri Govardhano Medishatam Abhishtham Shrute Spriha Yatra Mahat Yata Shri Govardhano Medishatam Abhishtham Samira hasti Yatraiva nipadi paragadhuli Snatva sarasvashu samira hasti Yatraiva nipadi paragadhuli Alolayam khelati charu sashri Govardhano Medishatam Abhishtham Alolayam Khelati Charu Sashri Govardhano Medishatam Abhishtham Thank you.
शैतं किं अत्रेति ऊहं प्रभु स्वस्य मुहुर्वितन्वन् कस्तूर्का विशैतं किं अत्रेति ऊहं प्रभु स्वस्य मुहुर्वितन्वन् नैसर्गिकश्वीयशिलासुगन्धैर्गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् वंश प्रतिध्वनि अनुसारवत्मा तिदृक्षौ यत्र हरिं हरिण्या वंश प्रतिध्वनि अनुसारवत्मा तिदृक्षौ यत्र हरिं हरिण्या यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मिता सा गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यान्त्यो लभन्ते न हि विस्मिता सा गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यत्रैव गङ्गा मनुना विराधा आरोह्य मध्ये तु निमग्न नौका यत्रैव गङ्गा मनुना विराधा आरोह्य मध्ये तु निमग्न नौका कृष्णो हि राधानुगलो बभौ सा भवेत् किं हरिदासवर्या पादाश्रयं भक्तिरतश्रयामि विना भवेत् किं हरिदासवर्या पादाश्रयं भक्तिरतश्रयामि यम् प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् यम् एव स प्रेम निजेशयो श्री गोवर्धनो मे दिशतामभीष्टम् Beautiful verse glorifying Sri Govardhan. So this pastime, the Govardhan Leela, ये जो है ये लीला, इससे हम लोगों को बहुत सारा चीजें हम लोग को इससे सीखने को मिलता है. तो हम लोग इस लीला के ऊपर डिस्कस करेंगे आज को. I'm sharing the PPT. तो इंद्र
Indra is a demigod, devata. इंद्र एक बार क्या हुआ था कि भगवान ऋषभदेव भगवान का एक इनकार्नेशन है. ऋषभदेव इज वन ऑफ द इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण. तो ऋषभदेव जब इस पृथ्वी में जन्म लिया भारतवर्ष में, तब इंद्र उसको उसको थोड़ा कष्ट हुआ. क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि भगवान ऋषभदेव जब जन्म लिया इस पृथ्वी में, तब सब लोगों का अटेंशन ऋषभदेव के पास चला गया. सभी देवताओं हरेक मतलब जीवों का अटेंशन ऋषभदेव का प्रति चला गया. द मेन पर्सन्स वेर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लॉर्ड. तो इंद्र सोचने लगा कि अरे मेरा प्रति कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, मैं देवता का राजा हूं, लेकिन दूसरे देवता लोग मेरा कोई अटेंशन नहीं दे रहा है और ये ऋषभदेव का ऊपर अटेंशन दे रहा है. तो इंद्र थोड़ा एनवियस हो गया, थोड़ा उसको प्राइड आ गया. तो वो क्या किया इंद्र तब बारिश, वो बोला कि भारतवर्ष में हम बारिश देंगे ही नहीं. सब लोग सिर्फ ऋषभदेव का प्रति अटेंशन दे रहा है, मैं बारिश देता हूँ, मेरा कंट्रोल में है बारिश, तो मैं दिखा रहा हूँ मेरा पावर. आई विल नॉट गिव रेन्स. तो रेन बंद कर दिया देना. भारतवर्ष में कुछ दिन तक बारिश नहीं हो रहा था इन द रेनी सीजन. तो ऋषभदेव बचा था तब. तो ऋषभदेव क्या किया, ऋषभदेव थोड़ा सा हाथ हिलाया, बच्चा है फिर भी थोड़ा सा हाथ हिलाया. और जब भी हाथ हिलाया तब सब जो क्लाउड्स जो मेघ है, ऑल द क्लाउड्स सब इकट्ठा हो गया एकदम, और बारिश देना स्टार्ट कर दिया इमीडिएटली. तो इंद्र बोला अरे क्या हो गया, मेरा हाथ में बारिश का कंट्रोल रहता है, ये क्लाउड्स ये जो पूरा मेघ है सब मेरा कंट्रोल में रहता है, मेरा कंट्रोल के बाहर में कैसे ये काम कर रहा है. बहुत वो चिंतित हो गया इंद्र. तब उनको समझ में आया कि ऋषभदेव और कोई नहीं है, भगवान है, भगवान का अवतार है. तब ऋषभदेव बोला कि अभी जितना दिन मैं हूं इस पृथ्वी में, बारिश मेरा कंट्रोल में रहेगा, इंद्र का कंट्रोल में नहीं रहेगा. क्लाउड्स विल नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ इंद्र. तो इंद्र तब समझ उसको समझ में आया कि जो पावर उनको दिया गया है वो भगवान ने ही दिया है. इंद्र इज नॉट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली. That's what Bhagavad Gita is telling. Maya dhyakshena prakriti shuyate sa characharam hetu nanena kaunteya jagat viparivartate. The whole material energy, ye jo material world hai, ye Maya Devi ke under mein hai, Durga Devi. Aur Maya Devi, Durga Devi independently kaam nahi kar raha hai. She is working under the direction of Lord Krishna. So all the demigods also, they are not acting independently. They are acting on behalf of Lord Krishna. That is the position of the demigods, the devatas. So Indra ko leke hi ye kahani hai. Indra is one of the main persons who is involved in this pastime of Govardhan Leela. तो एक बार दिवाली का दिन था. ये दिवाली का दिन में ही कृष्णा देखा कि उनके जो घर में बहुत सारा पूजा का आयोजन चल रहा है. तो कृष्णा पूछा, माँ यशोदा से पूछा कि क्या चल रही है, मम्मी बताइए
इतना आयोजन क्यों हो रहा है? तो माँ यशोदा बोले, मैं व्यस्त हूं, तुम नंद बाबा के पास जाओ, नंद बाबा से पूछो। और नंद बाबा के पास गया कृष्ण, और नंद बाबा बोला कि अरे तुम नहीं समझोगे, हाँ ये हम लोग का ये पूजा का ये होता है हर एक साल, एवरी ईयर ये होता है, हाँ तुम नहीं समझोगे तो हम लोग अभी व्यस्त है, तुम जाओ अपने मम्मी के पास जाओ। तो ऐसे माँ यशोदा पिताजी के पास भेज रहा है, नंद बाबा के पास, नंद बाबा यशोदा मैया के पास भेज रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण फाइनली जाके नंद बाबा को पकड़, कृष्ण बोला कि रिलेटिव के सामने, परिवार में और अपने रिलेटिव के सामने क्या कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो आप कृपया करके बताइए मेरे को, हम आपका बेटा है, हाँ तो आप बताइए कि क्या चल रहा है, ये किस चीज का अरेंजमेंट चल रहा है, ये क्या एक रिचुअल है ये, या फिर शास्त्रों में वर्णन किया हुआ कोई कोई चीज चल रहा है जो शास्त्रों में वर्णन है करना चाहिए, या फिर सिर्फ सिर्फ रिचुअल है जो शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है, ऐसे ही रीति के अनुसार चला आ रहा है, तो क्या चल रहा है आप कृपया करके मेरे को बताइए। तो नंद बाबा बोला कि हर एक साल हम लोग इंद्र पूजा करते हैं, हम लोग का वृंदावन धाम, ये गोलोक, इधर के कितना गाय है, लाखों की संख्या में गाय है, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय था अकेला नंद बाबा के पास। तो ये गाय क्या खाता है, घास खाता है ना, और घास कहाँ पे उगता है, पूरा वृंदावन में घास उगता है, और क्यों घास उगता है, क्योंकि बारिश होता है, इसीलिए अगर बारिश नहीं होगा तो घास कैसे उगेगा। तो इंद्र ये बारिश दे रहा है, तो इसलिए हम लोग इंद्र को पूजा करते हैं। तो कृष्णा कृष्णा सोचा कि मेरे को आगे चल के अर्जुन को शिक्षा देना है भगवत गीता में, कि दूसरे देवी देवताओं का पूजा करना जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा ही पूजा करना है। तो पहले कृष्णा सोचा कि आगे चल के मैं बताऊंगा, पहले तो घर में हमको सिखाना है, पहले तो घर में प्रीचिंग करना है कि नहीं। तो कृष्णा अपना प्रीचिंग स्टार्ट किया घर में, तो हम लोग इसको इमिटेट नहीं कर सकते, हम लोग पहले घर में प्रीचिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। तो कृष्णा समझाया नंद बाबा को कि देखिए इंद्र का जो पोजीशन है, इंद्र का वो ड्यूटी है ये बारिश देना, ये ऐसा नहीं है कि इंद्र का अलग से कुछ एहसान कर रहा है, इंद्र इंद्र का ये ड्यूटी ही है। जैसे जैसे कि कोई बैंक में कोई जाता है, तो बैंक में अगर कोई अपना अकाउंट से अगर पैसा निकालता है, तो जो जो बैंक में काम कर रहा है वो व्यक्ति आपको पैसा निकाल के दिया, तो अलग से क्या उस व्यक्ति को आपको स्पेशली उसको पूजा करने का जरूरत है, उसको स्पेशली कुछ गिफ्ट देने का जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होके अपना फर्ज निभा रहा है, उसका काम ही है कि जो भी पैसा निकालने आएगा तो पैसा उसको देना है, वो सरकार का होके काम कर रहा है, तो उसको अलग से हम लोगों को ये करने का जरूरत नहीं है, कुछ अलग से उसको कुछ फेवर करने का जरूरत नहीं है, ही इज ओनली डूइंग हिज ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सिमिलरली इंद्र इज ऑल्सो डूइंग हिज ड्यूटी ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, इट इज हिज ड्यूटी गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, सो सेपरेटली देर इज नो नीड ऑफ वर्शिपिंग इंद्र। और वैदिक स्क्रिप्चर्स में भी इंद्र का पूजा, अलग से इंद्र का पूजा करने का कोई विधि
नहीं है। तो सोचिए 5 साल का कृष्ण ये अपना पिताजी को और भी जितना एल्डरली मेंबर्स था वृंदावन का उनको समझा रहे हैं कृष्ण। तो कृष्णा किस तरीके से, देखिए कृष्णा अपना पिताजी को और दूसरे एल्डरली पर्सन को वो कन्विंस कर दिया। तो कृष्ण बोला कि देखिए ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये गोवर्धन पर्वत हम लोग का सब कुछ दे रहा है। गोवर्धन पर्वत इज गिविंग द ग्रास, गोवर्धन पर्वत इज गिविंग द स्वीट वाटर, कूल वाटर। गोवर्धन पर्वत हैज लॉट ऑफ केव्स, जहां पे कृष्ण बलराम जब गाय चराने जाते हैं तब वहां पे जब खेलने के बाद थक जाते थे तो वो केव्स में वो रेस्ट करते थे। सो गोवर्धन, गोवर्धन इसका मतलब क्या है? तो दो तरीके से इसका मतलब ये दिया गया है शास्त्रों में, आचार्य ने, आचार्य लोग बताए हैं कि पहला ये एक है कि गो मीन्स काउस और वर्धन मीन्स नरिशमेंट। द गोवर्धन हिल गिव्स नरिशमेंट टू द काउस, गोवर्धन। और एक तरीके से इसको ट्रांसलेट किया गया है, गो गो मतलब सेंसेस भी होता है, जैसे गोस्वामी, गोस्वामी मीन्स वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस, ही इज अ गोस्वामी। सो गो आल्सो मीन्स सेंसेस। तो गो वर्धन, वर्धन मीन्स टू इंक्रीज, सो इंक्रीजिंग द प्लेजर ऑफ द सेंसेस ऑफ कृष्णा। So that is another meaning of Govardhan. So the Govardhan Parvat, the entire existence of Govardhan Hill is to give pleasure to the senses of Krishna. Yahi Govardhan ka existence ka meaning hai. Krishna aur unke bhakto ka seva karna. So Indra ka paas agar power, Bhagwan agar power hata lega Indra ke paas, to Indra koi rain nahi de payega. जिस तरीके से जब ऋषभ देव आया था तब ऋषभ देव वो पावर हटा लिया था इंद्र के पास से। सो कृष्णा कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स एंड ऑल द एल्डरली मेंबर्स ऑफ ब्रज टू वर्शिप गोवर्धन। तो इंद्र को ये खबर मिला कि गोवर्धन पर्वत को पूजा कर रहे सब। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण इज टेलिंग दैट गोवर्धन इज कृष्णा हिमसेल्फ एंड एट द सेम टाइम गोवर्धन इज एक्टिंग एज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एट द सेम टाइम बोथ द थिंग्स आर ट्रू, जस्ट लाइक लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे वो भगवान है, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट इवन द अवतार ऑफ कृष्ण, इज कृष्ण हिमसेल्फ, अवतारी, अवतारी भगवान। बट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज कमिंग एज एज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, भगवान का भक्त का रूप में आ रहे हैं और हम लोगों को सिखा रहे हैं। सो गोवर्धन का भी मूड सिमिलर है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के तरह। तो एक वर्स है, वेरी ब्यूटीफुल वर्स which is there in the Srimad Bhagavatam, a very very famous verse of Srimad Bhagavatam concerning Govardhan Parvat, Giri Govardhan, Giriraj Govardhan. So all of you please repeat after me. Is the verse visible to all of you? I hope so. Yes. Okay. So this is a very very famous verse actually from Srimad Bhagavatam and very very important verse for all of the followers of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. So one sentence I will tell, one line, and all of you repeat after me, unmuting yourself. Antayam Adir Abula Haridas Varyo. Antayam Adir Abula
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोगनयस्तयोर्य मानं तनोति सह गोगनयस्तयोर्य पानीय सूय वास कंदर कंद मूले Yes, translation. Anyone of you read the translation of this wonderful verse? Yes. Honorable Prabhu, of all the devotees, this Govardhana hill is the best. Of all my friends, this hill supplies Krishna and Balarama along with their cows and cowherd friends with all kinds of necessities. Water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balarama, Govardhana hill appears very jubilant. Yeah. So this Govardhan hill, how it is serving Krishna and Balarama. So in a wonderful way, the Govardhan hill is supplying all the necessities needed for the pleasure of Krishna and Balarama. So here you can see that it is mentioned here that the calves and the cowherd friends, how whenever there is a necessity of drinking water, Govardhan has very, very wonderful fragrant water, sumadhur or sugandhit pani nikalta hai Govardhan se. And there are beautiful springs in Govardhan Parvat. जो अभी जो हम लोग गोवर्धन देखते हैं उसका साइज कृष्ण बलराम जब था इस मेटेरियल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में, तब गोवर्धन का साइज इतना छोटा नहीं था. वो हम लोग देखेंगे, उसके पीछे एक कहानी है. एट दैट टाइम द गोवर्धन पर्वत वॉज वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी हाई, ग्रेट हाइट इट हैड. सो देर आर लॉट्स ऑफ स्प्रिंग्स, देर आर लॉट्स ऑफ वाटरफॉल्स, ब्यूटिफुल. And the water of Govardhan was very fragrant water. And it was very sweet and cool. The Govardhan has soft grass, Durva grass. So this grass is very special actually. The grass of Giri Govardhan is specially meant for the cows of Vrindavan. This grass, when the cows eat this grass, it helps in the strong growth of the cows and it gives increased milk production. And the caves, whenever Krishna Balaram would be very tired by playing all day, they used to take rest in the caves. And the caves would have perfect temperature for the pleasure of Krishna and his devotees. The fruits, many different types of fruits were there in the beautiful Kalpavriksha trees of this Giri Govardhan. Krishna and Balaram used to eat those, and all the cowherd friends used to eat those fruits. Beautiful flowers, most wonderful fragrant flowers, vegetables. So this Govardhan hill is supplying all the necessities. It is serving the senses of Lord Krishna in the most wonderful way. So that is why it is called as Govardhan. That is, the existence of this Govardhan hill is to give pleasure to the senses of Krishna. We also have this choice in our own life. हम लोग का भी लाइफ में चॉइस होता है.
दो दो चॉइस में एक चॉइस हम लोग को चूज करना पड़ता है. आइदर वी वॉन्ट टू सर्व द सेंसेस ऑफ कृष्ण और वी वॉन्ट टू सर्व द सेंसेस ऑफ आवर ओन सेल्फ. सो द मेटेरियलिस्टिक पीपल दे आर सर्विंग देयर ओन सेंसेस whereas the devotees of Krishna, they are trying to serve the senses of Krishna. So Govardhan Hill is exemplifying. Govardhan Hill हम लोगों को दिखा रहा है कि कैसे हम लोगों का existence भी भगवान और भगवान का भक्तों का सेवा के लिए होना चाहिए. No matter what duty we are doing, no matter what position we are in, no problem. Let us be in that position, no problem. But utilize our energy in serving Krishna. And the best way of serving Krishna in this Kali Yuga is by taking his holy names, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. So in this way, Kandara here in this verse, there's mentioned the word Kandara is there. It means the caves. The beautiful Durva grass, which was there in the Govardhan Parbat. It is used for making argha. This is a kind of offering to the Lord, which is done in worshipping. So the cows, the calves, the cowherd friends, all used to be so happy by going to the Govardhan Hill. All day, they used to play there and wonderfully serve Krishna. And we take the association of Krishna. So this Govardhan Parikrama, the devotees do this Govardhan Parikrama especially in this Kartik month. In this Kartik month, Srila Prabhupada left this material world and went back to the spiritual world in this Kartik month only. And what was the last desire of Srila Prabhupada? Srila Prabhupada's last desire tha, ek bar Govardhan Parikrama karena. When Srila Prabhupada was bedridden, he was about to leave the body. The devotees asked Srila Prabhupada, "What is your last wish?" So Prabhupada told, "I want to do Govardhan Parikrama." But the situation was so, his health was so down at that time, that it was practically impossible to take him out of the home. So he could not do Govardhan Parikrama, but he asked the devotees to do Govardhan Parikrama on behalf of himself. So his disciples did this Govardhan Parikrama on behalf of Srila Prabhupada and offered the result of that Govardhan Parikrama to him. So in this way, tomorrow is actually that special day, the disappearance day of Srila Prabhupada, Srila Prabhupada disappearance day. So we do fasting till noon on the day of Srila Prabhupada's disappearance. So this Govardhan, how this Govardhan Parbat originated, what's the birth story of Govardhan Parbat? That we will see little bit later. But let us first understand the glories of this hill, Govardhan. So Shastra mein bataya gaya hai, जो गोवर्धन गिरिराज जितना भी माउंटेन है सब में राजा है गोवर्धन, इसलिए इसको गिरिराज बोला जाता है. तो गिरिराज गोवर्धन का महिमा रूप गोस्वामी बता रहा है. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी इज गिविंग द रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी है श्री चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. तो रूप गोस्वामी ये गोवर्धन का महिमा बताने के टाइम जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो ये है कि मथुरा, जो मथुरा धाम है, तो रूप गोस्वामी पहले तीन तीन धाम का बारे में बोल रहे हैं. वैकुंठ धाम, उसके ऊपर है मथुरा धाम, और मथुरा धाम के ऊपर है वृंदावन धाम. तो रूप गोस्वामी बोल रहा है कि मथुरा इज द मथुरा ऑफ दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज ग्रेटर, इज मोर स्पिरिचुअली पोटेंट देन वैकुंठ हाउस. वैकुंठ से भी ज्यादा स्पिरिचुअली पोटेंट है मथुरापुरी,
जो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो मथुरा धाम है, तो उस मथुरा धाम से भी ग्रेटर है वृंदावन धाम, इस मटेरियल वर्ल्ड का वृंदावन धाम, गोकुल वृंदावन, नॉट गोलोक वृंदावन, although it is the same only. So greater than Mathura is Vrindavan Dham. और उस वृंदावन धाम में सर्वश्रेष्ठ, उस वृंदावन धाम में भी सबसे बेस्ट है, बेस्ट जगह है गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत, जहां पे कृष्ण बलराम निरंतर लीला कर रहे हैं, eternally doing his pastimes. और उस गोवर्धन से भी ग्रेटर है राधा कुंड. राधा कुंड इज सिचुएटेड बिसाइड द गोवर्धन हिल, जस्ट बिसाइड द गोवर्धन हिल इट इज सिचुएटेड. सो दिस एरिया गोवर्धन पर्वत एंड ऑल द सराउंडिंग एरियाज ऑफ गोवर्धन, सो मेनी लीलाज हैपेंड. होप वी गो टू वृंदावन नेक्स्ट ईयर, वी विल हियर डायरेक्टली इन द धाम एंड वी ऑल्सो परहैप्स डू गोवर्धन परिक्रमा. So this Radha Kund situated just beside Govardhan, and Giriraj Govardhan parikrama karne ke baad last mein Radha Kund mein bhakt log stop karte hain aur Radha Kund ka aashirvad lete hain. So today also we'll hear about how Radha Kund and Shyam Kund it appeared. So spiritual world mein ek bar kya hua, spiritual world mein Krishna bol raha hai Radha Rani ko ki main material world mein jaunga. तो राधा रानी बोल रही है कि तुम जाओगे मटेरियल वर्ल्ड में, तो मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है. क्या शर्त है? कृष्ण बोला कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा जब ये गोवर्धन और यमुना दोनों मटेरियल वर्ल्ड में जाएगा, तभी मैं जाऊंगा आपके साथ मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि मैं गोवर्धन और यमुना के बिना मैं रह नहीं पाता हूं. इट इज सो डियर टू श्रीमती राधा रानी. तो कृष्ण बोला कि गोवर्धन तो ऑलरेडी चला गया है, मैं गोवर्धन को भेज दिया हूं मेटेरियल वर्ल्ड. तो तब गोवर्धन ऑलरेडी केम इनटू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. राधा रानी ये बात सुन के खुश हो गए कि ठीक है, मैं अब जाने के लिए तैयार हूँ. हाँ, गोवर्धन भी चला गया है, यमुना भी चला गया है, हाँ तो आप भी जा रहे हैं तो मैं भी आऊंगा आपके साथ. तो गोवर्धन का बर्थ कैसे हुआ इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो हम लोग अभी सुनेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. तो उसके पहले एक चीज बता देते हैं कि गोवर्धन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है उसका नाम है शतश्रृंगो पर्वत. शतश्रृंगो पर्वत उसका नाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोवर्धन नहीं है, शतश्रृंगो पर्वत. देयर आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोवर्धन इज प्रेजेंट विद वेरी वेरी ह्यूज हाइट, एक्चुअली थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हाई गोवर्धन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बहुत सारा पीक्स है उस माउंटेन का, गोल्डन पीक्स आर देयर, कंप्लीटली गोल्डन द पीक्स. शतश्रृंगो, दिस श्रृंगो मींस व्हाट, मेनी मेनी पीक्स आर देयर, शतश्रृंगो माउंटेन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोवर्धन पर्वत. द शतश्रृंगो माउंटेन एंड यमुना बोथ आर देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो कृष्ण सेंट द गोवर्धन इन द मटेरियल वर्ल्ड. सो हाउ इट टुक बर्थ, लेट अस सी. तो अच्छा, और एक चीज बताना मैं भूल गया. हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे गोवर्धन, ये शतश्रृंगो माउंटेन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे आविर्भाव हुआ. तो ये जो माउंटेन है शतश्रृंगो माउंटेन, दैट अपीयर्ड फ्रॉम द हार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्ण. कृष्ण का हृदय से, राधा रानी का इच्छा से, राधा रानी का डिजायर को फुलफिल करने के लिए कृष्ण ये शतश्रृंगो माउंटेन को अपना हार्ट, अपना हृदय से वो प्रकट किया. तो उसका साइज छोटा था पहले, और बड़ा होते गया, वो साइज बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इट हाइट वेंट
And thousands and thousands of miles the length was there. तो कृष्ण देखा अरे ये तो ये पर्वत तो बढ़ ही जा रहा है. कृष्ण बोला कि रुको स्टॉप करो कितना तुम साइज में बढ़ोगे बढ़ते ही जा रहा है. स्टॉप करो. तो शतशृंग माउंटेन क्या हुआ स्टॉप हो गया. तो इस तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शतशृंग पर्वत का इस तरीके से आविर्भाव हुआ. और मेटेरियल वर्ल्ड में वही शतशृंग माउंटेन मेटेरियल वर्ल्ड में जो गोवर्धन पर्वत का रूप में कैसे आविर्भाव हुआ वो अभी हम लोग सुनेंगे. तो ये गोवर्धन पर्वत ये और एक ये तो पर्वत है तो माउंटेन है इज अ माउंटेन. तो सत्ययुग का कहानी है ये. सत्ययुग में गोवर्धन आ गया था मेटेरियल वर्ल्ड. कृष्ण को लीला करना था कब द्वापर युग का अंत में. लेकिन सत्ययुग में ही किसको भेज दिया गोवर्धन को भेज दिया. तो क्या हुआ था उस टाइम पे कि द्रोण गिरी बोल के एक तो माउंटेन था द्रोणाचल. उसको द्रोणाचल भी बोला जाता था द्रोण गिरी भी बोला जाता था उसको. ये द्रोणाचार्य नहीं है द्रोणाचल. दैट मीन्स सेम नाम सेम है. द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य ऑफ महाभारत ये पर्वत का नाम भी द्रोण था लेकिन ये पर्वत है. वो द्रोणाचार्य एक व्यक्ति था. ये भी व्यक्ति है पर्वत भी. सत्ययुग में पर्वत का पंखा होता था ये दिया गया है शास्त्रों में. द माउंटेन्स यूज टू फ्लाई इन सत्ययुग. और जहां पे माउंटेन्स फ्लाई करके जहां पे बैठ जाता था कोई गांव का ऊपर बैठ गया तब क्या हुआ पूरा गांव पूरा मर जाता था पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता था. तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ऑर्डर दिया इंद्र को कि ये माउंटेन्स का सभी माउंटेन्स का जो जो फेदर है वो फेदर को काट देने के लिए. इंद्र ने वज्र देके सभी माउंटेन्स का फेदर को काट दिया और जहां पे माउंटेन्स है अवस्थित वहीं पे परमानेंटली अवस्थित हो गया. सत्ययुग माउंटेन्स यूज्ड टू फ्लाई एक्चुअली. तो उसी टाइम पे एक माउंटेन था उसका नाम था द्रोणगिरी. तो उनका एक वाइफ भी था. द माउंटेन्स आर ऑल्सो पर्सनैलिटीज. इट्स नॉट दैट इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. दे ऑल्सो हैव देयर आर लिविंग माउंटेन्स स्टिल नाउ दे आर पर्सनैलिटीज. तो द्रोण का एक वाइफ भी था द्रोणगिरी का. तो द्रोण और द्रोणगिरी का बेटा का रूप में जन्म लिया कौन ये गोवर्धन पर्वत. तो ये कहां पे हुआ था कहां पे जन्म लिया ये द्रोणाचल. ये द्रोणगिरी रहता था शाल्मली द्वीप में. ये शाल्मली द्वीप क्या है ये तो नया टर्म सुन रहे हैं शाल्मली द्वीप. ये आइलैंड कौन सा आइलैंड है ये. तो हम लोग जिस आइलैंड में अभी रह रहे हैं एक आइलैंड में रह रहे हैं. हम लोग तो आइलैंड पे कहां पे रहते हैं हम लोग तो इंडिया में रहते हैं. आइलैंड कैसे हो गए. तो जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है इस यूनिवर्स का स्ट्रक्चर में हम लोग भूलोक में रहते हैं. हम एक दिन क्लास लिया था यूनिवर्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था. होपफुली यू रिमेम्बर दैट. वी आर देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स एंड इन दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स वी आर इन द भूलोक प्लैनेटरी सिस्टम. मिडिल है ऊपर में 6 है नीचे 7 है टोटल 14. तो ये भूलोक में बहुत सारा आइलैंड है और एक एक आइलैंड इज सराउंडेड बाय वन सीज समुंदर. सो हम लोग अभी जम्बूद्वीप आइलैंड में है. जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे राइट नाउ वी आर इन जम्बूद्वीप. ऑन दैट जम्बूद्वीप देर इज भारत वर्ष एंड ऑन दैट भारत वर्ष देर इज भारत खंड एंड वी आर राइट नाउ रिसाइडिंग भारत खंड विच इज इन जम्बूद्वीप एन आइलैंड. सो जम्बूद्वीप आइलैंड इज सराउंडेड बाई सॉल्ट वाटर ओशन. इसलिए हम लोग इस दुनिया का जो ओशन देखते हैं वो सॉल्ट वाटर का है. इसका बाहर में और भी 6 और द्वीप है. तो उसमें एक द्वीप है शाल्मली द्वीप. देयर इज अनदर आइलैंड. द रेसिडेंट्स ऑफ शाल्मली द्वीप आर वेरी वेरी पायस एक्चुअली नॉट सिंफुल लाइक यू नो वी सी इन द कलियुगा. ए वेरी पायस पीपल. तो ये शाल्मली द्वीप में द्रोणगिरी और उनका जो वाइफ रहता था.
तो उन दोनों का बेटा का रूप में शालमली द्वीप में जन्म लिया, ये कौन? ये गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, उसका हाइट उतना ज्यादा नहीं था, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतना हाइट था, उतना हाइट के साथ मैनिफेस्ट नहीं किया। एज ए बेबी माउंटेन ही अपीयर्ड एज ए बेबी माउंटेन इन शालमली द्वीप, दिस गोवर्धन पर्वत। उसका हाइट था सम फ्यू माइल्स, इतना हाइट वॉज 6 or 7 miles द हाइट वॉज एट द टाइम, नॉट ए वेरी बिग माउंटेन, बेबी माउंटेन, बच्चा था, द्रोण पर्वत का बच्चा था गोवर्धन। तो एक बार क्या हुआ, पुलस्त मुनि जा रहा था शालमली द्वीप के पास, शालमली द्वीप होके गुजर रहा था पुलस्त मुनि। तो पुलस्त मुनि क्या ढूंढ रहा था, एक माउंटेन ढूंढ रहा था। क्यों माउंटेन ढूंढ रहा था? पुलस्त मुनि का जो आश्रम था वो वाराणसी में था, बनारस में, तो बनारस में कोई माउंटेन नहीं, तो वो ढूंढ रहा था एक माउंटेन, कोई पर्वत ढूंढ रहा था, ताकि उस पर्वत का गुफा में बैठ के तपस्या कर पाए, ये था उनका प्लान। तो पुलस्त मुनि एक माउंटेन ढूंढने निकल गया, और निकलते निकलते जम्बू द्वीप पार कर गया, शालमली द्वीप में आ गया। शालमली द्वीप में देख रहा है द्रोणगिरी को देखा, तो द्रोणगिरी को पूछा कि मेरे को एक माउंटेन गिफ्ट कीजिए, अब तो बहुत सारा माउंटेन का पिताजी है, आप एक तो माउंटेन, आप एक तो बेटा को हमको सौंपिए। सो दैट्स द वंडरफुल वे पुलस्त मुनि इज वांटिंग वन ऑफ हिज सन्स। तो ऐसे ही कहानी हम लोग और भी देखते हैं शास्त्रों में। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के पास से रामचंद्र को मांगा था, है कि नहीं? सॉरी, विश्वामित्र मुनि, एम आई राइट? विश्वामित्र वांटेड लॉर्ड रामचंद्र फ्रॉम दशरथ महाराज। दशरथ महाराज बहुत टेंशन में आ गए, अपने बेटा को देना नहीं चाहता था। सिमिलरली नित्यानंद प्रभु जब बच्चा था, उनका पिताजी हड़ाई पंडित नित्यानंद प्रभु का पिताजी था, तो एक सन्यासी आया हड़ाई पंडित का घर पे और बोला कि आपका बेटा को दीजिए। तो हड़ाई पंडित का तो पूरा जान निकल गया एकदम, अरे मेरा बेटा को मांग रहा है, नित्यानंद प्रभु इज सो डियर टू एवरीवन। तो इसी तरीके से पुलस्त मुनि भी क्या मांग रहा है द्रोणगिरी से, एक बच्चा मांग रहा है, एक पर्वत मांग रहा है। तो उसका आसपास ही, द्रोणगिरी के आसपास ही उनका सभी बच्चा था, सभी छोटा छोटा गिरी सब था। तो पुलस्त मुनि का आंख चला गया किसका ऊपर, गोवर्धन के ऊपर चला गया आंख। अरे ये बहुत ही सुंदर माउंटेन है, ये इतना ब्यूटीफुल माउंटेन। तो द्रोणगिरी को द्रोणाचल को बोला कि आपका ये बेटा हमको चाहिए, ये गोवर्धन, यही बेटा मेरे को चाहिए। तो द्रोणगिरी बोला कि आप मेरे को ले लीजिए, मेरा गोवर्धन ये बच्चा है अभी, इसको मत लीजिए आप। जिस तरीके से हराई पंडित बोला था आप मेरे को लेके चल जाइए, मेरे को कुछ आप मेरे को और भी कुछ बोलिए करने, लेकिन नित्यानंद प्रभु को मत लेके जाइए। इसी तरीके से द्रोणगिरी भी बोल रहा है कि आप मेरे को लेके चले जाइए, हम वाराणसी चल जाएंगे, वहां पे जाके हम आपका गुफा में आपका सुविधा दे देंगे, आप वहां पे बैठ के तपस्या कर पाएंगे, लेकिन ये मेरा बच्चा गोवर्धन को मत लेके जाइए। तो लेकिन पुलस्त मुनि नहीं सुना, वो सन्यासी भी नहीं सुना था, हराई पंडित से नित्यानंद प्रभु को लेके ही गया, वचन दिया है। द्रोणगिरी को बोला तुम वचन दिया है, तुमको निभाना ही है कुछ भी हो जाए। विश्वामित्र भी लेके गया ना राम को, रोक पाया था? नहीं रोक पाया था। तो गोवर्धन को लेके चला, लेके जाने का प्लान कर दिया। तो द्रोणगिरी क्या बोलेगा अभी, बहुत मिनती किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि मत लेके जाइए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया।
तो पुलस्त्य मुनि बोला गोवर्धन को, गोवर्धन चलो तुमको मेरे साथ जाना है। तो गोवर्धन थोड़ा वो हटीला था थोड़ा कि तुम क्या, तो गोवर्धन पूछा कि क्या हुआ, तुम किससे परमिशन लिया मेरे को लेके जाने के लिए? बोला कि आपका पिताजी से परमिशन ले लिया। वो बोला, गोवर्धन बोला कि अच्छा पिताजी से परमिशन ले लिया, मेरे से परमिशन लिया है? बोले नहीं, तुम्हारा पिताजी तो, तुम तो पिताजी का ऑर्डर सब सुनता है, जो तुम्हारा पिताजी बोलता है तुम सुनता है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारा पिताजी से परमिशन ले लिया है और कोई चिंता नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। तो गोवर्धन बोला ठीक है, मैं तो पिताजी का बात मानता हूँ, ठीक है बात सही है, लेकिन मैं एक शर्त पे जाऊंगा तुम्हारे साथ, वो शर्त अगर फुलफिल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो बोला क्या शर्त है, व्हाट इज द कंडीशन? तो गोवर्धन पर्वत बोला, ये कंडीशन मैं दे रहा हूं, इसको फुलफिल करना है तुमको, इसको ये तुमको पूरा प्रॉमिस करना है, ये फॉलो करोगे तुम। तो पुलस्त्य मुनि बोला ठीक है, तो क्या कंडीशन दिया? कंडीशन दिया कि मेरे को जब तुम हाथ में उठा के लेके जाओगे, अगर वाराणसी जाने का पहले, वाराणसी जाने का पहले कहीं पर भी मेरे को रख दिया तो वहीं पर मैं बस जाऊंगा, वहीं पर मैं परमानेंटली सेटल हो जाऊंगा और मैं वाराणसी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पुलस्त्य मुनि बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका बात रखूंगा। तो पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को उठा लिया हाथ और अपने जर्नी को शुरू किया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। हाँ, शालमली द्वीप बहुत दूर है, शालमली द्वीप से जम्बू द्वीप आया, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष आया, हिमालय को पार किया, भारतवर्ष घुसा। तो उसके बाद ये ब्रजमंडल आ गया, वृंदावन धाम आ गया। और वृंदावन धाम जब ही आया, गोवर्धन को उसका वाइब्रेशन पता चला, पता लग गया कि अरे ये तो वृंदावन है, मेरा तो, मैं गोलोक वृंदावन से आ रहा हूँ, मेरा स्वामी भगवान कृष्ण मेरे को भेजा है मेटेरियल वर्ल्ड में, मेरे को इधर पे लीला करना है यहीं पे। तो गोवर्धन सोचने लगा कि अरे मेरे को तो यहीं पे सेटल होना है, मेरे को थोड़े वाराणसी जाना है, मेरे को क्या करूंगा मैं वाराणसी जाके, ये पुलस्त्य मुनि लेके जा रहे हैं मेरे को वाराणसी, नहीं जाना है मेरे को, इधर पे ही रहना है, वृंदावन में रहना है मेरे को। तो अब वृंदावन में तो क्या है, वृंदावन का वाइब्रेशन उसको समझ में आ गया, क्यों समझ में आया, कैसे समझ में आया, क्योंकि वृंदावन में मेटेरियल वर्ल्ड का इफेक्ट वो नहीं है, मेटेरियल एनर्जी का, हाँ माया देवी का इफेक्ट नहीं है, दैवीम प्रकृति में आश्रित है, वो भगवान का इंटरनल पोटेंसी में आता है। तो जैसे आप लोग भी कभी मायापुर जाइएगा, तो नेक्स्ट मंथ वी आर प्लानिंग टू गो टू मायापुर, ऑन 3rd of December वी आर प्लानिंग टू गो टू मायापुर नेक्स्ट मंथ। तो आप लोग देख पाइएगा, जब भी मायापुर में घुसिएगा एक अलग सा फीलिंग होगा, वाइब्रेशन कुछ अलग है, उधर पे मेटेरियल, जब आप ट्रेन में जाइएगा, ट्रेन में गए, ट्रेन में एक तरीके का वाइब्रेशन, और जब यू, व्हेन एवर यू एंटर इन टू मायापुर, यू विल फील ए कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब्रेशन, चेंज हो जाएगा, अलग सा इफेक्ट है उधर पे, क्योंकि उधर पे वृंदावन मायापुर इज सेम है, ये गोलोक वृंदावन से ओरिजिनेट हुआ है, भगवान का धाम है, निज धाम। तो देयर इज डिफरेंट स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, कंप्लीटली स्पिरिचुअल इफेक्ट इज देयर, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो जाइएगा तब आप उसको महसूस कर पाइएगा, अदरवाइज यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन जस्ट वर्ड्स। तो गोवर्धन समझ गया। तो क्या हुआ, भगवान का लीला ऐसा हुआ, सोचिए कि तो पुलस्त्य मुनि तो लेके जा रहा है, ब्रज धाम में एंटर कर गया, हाथ में गोवर्धन है, घुस गया वृंदावन धाम ब्रज धाम में, और सडनली क्या हुआ, पुलस्त्य मुनि का जोर से उसको लग गया, क्या लग गया है? समझ सकते हैं उसको तो अभी बाथरूम जाना है, जोर से लग गया है एकदम, अभी
जिसको लगता है तब वो कुछ समझ कुछ दिमाग में काम नहीं करता, सब भूल जाता है दुनिया का सब चीज, तो उसको नेचर्स कॉल लग गया इनको कुलस्त मुनि को। तो भगवान से इफेक्ट क्या है, वो दैवीम इफेक्ट है ना, उधर पे तो भगवान का ही चलता है वृंदावन धाम में। तो पुलस्त मुनि सोचा कि अरे नहीं नहीं अभी तो मेरे को जाना है, अभी तो क्लियर करना है मेरे को, तो गोवर्धन को रख दिया और यमुना में चला गया अपना जो कार्य करना है, जो यमुना में चला गया। तो नेचर्स कॉल को एड्रेस किया, यमुना में नहाया, नहाना चाहिए, नहा के फिर आया, फ्रेश होके पूरा आया। तो गोवर्धन को बोल रहा, ठीक है चलो फिर वाराणसी चलते हैं। गोवर्धन बोला कि अरे क्या बात कर रहे हो, अरे मैं तो बोला बोल दिया था कि तुम जहां पे मेरे को उतारोगे वाराणसी का पहले, वहीं पे मैं परमानेंटली सेटल हो जाऊंगा। तो पुलस्त मुनि बोला अरे तुम उतना समझते नहीं हो, तुम बच्चा हो, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम चलो मेरे साथ, हाँ तुमको कुछ पता नहीं है, ज्यादा कुछ मत बोलो चलो। गोवर्धन बोला नहीं, जो मैं एक बार बोल दिया वही फाइनल है, आप तो वचन दिए थे, प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, सो आई विल नॉट गो। तो गोवर्धन को उठाने का कोशिश किया पुलस्त मुनि, इतना भारी हो गया, गोवर्धन तो स्वयं भगवान है ना, इतना भारी हो गया उठा ही नहीं पाया, हजार कोशिश कर लिया, लाख कोशिश कर लिया, उठा नहीं पाया। तो फिर पुलस्त मुनि बोला कि अरे मेरा बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो, तुम चलोगे कि नहीं चलोगे। फिर गोवर्धन बोला कि नहीं, जो मैं तो आप अपना बात में नहीं फिक्स हो रहे हैं, मैं तो वचन दे दिया था आपने, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो पुलस्त मुनि गुस्सा गया, गुस्सा के गोवर्धन को अभिशाप दे दिया, अभिशाप दे दिया। क्या अभिशाप दिया, तुम मेरा बात नहीं माना बच्चा हो के, तुमको मैं अभिशाप देता हूं, तुम एवरी डे यू विल रिड्यूस इन साइज, यू विल रिड्यूस इन हाइट, द हाइट यू विल रिड्यूस इन द सेम हाइट एज दैट ऑफ ए मस्टर्ड सीड। एक मस्टर्ड सीड सरसों का दाना जितना हाइट है, हर एक दिन गोवर्धन पर्वत वो हाइट डिक्रीज होगा उसका, ये अभिशाप दे दिया पुलस्त मुनि गोवर्धन को। तो इसलिए गोवर्धन का जो हाइट था सत्ययुग में वो बहुत ज्यादा हाइट था, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स का हाइट वाज देयर। एवरी डे गोवर्धन इज रिड्यूसिंग बाय वन मस्टर्ड सीड, एक सरसों के दाना का साइज जितना हाइट होता है उतना रिड्यूस हो रहा है हर एक दिन। तो लेकिन गोवर्धन बोला ठीक है, ये एक्चुअली गोवर्धन को जो ये अभिशाप दिया जो पुलस्त मुनि, ये एक्चुअली वरदान का रूप में साबित हुआ गोवर्धन के लिए। कैसे वरदान का रूप में साबित हुआ, तो गोवर्धन का जो हाइट था इट वॉज वेरी वेरी हाई, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हाई इन सत्ययुग। तो अगर द्वापर युग में भी उतना ही हाइट रहता गोवर्धन का, तो कृष्ण बलराम को कितना ऊपर चढ़ना पड़ता, कितना कष्ट होता कृष्ण बलराम और उसका ग्वाल वालों के लिए। तो गोवर्धन सोचा कि अच्छा हुआ है कि मेरा हाइट डिक्रीज होगा, कृष्ण बलराम को दिक्कत नहीं होगा, कृष्ण बलराम वो चढ़ पाएगा एटलीस्ट अच्छा हाइट पे ठीक ठाक से, कृष्ण बलराम को उतना दर्द नहीं होगा पैर में। गोवर्धन इस अभिशाप को वरदान का रूप में लिया और ये वरदान भी साबित हुआ। तो जो हाइट डिक्रीज हुआ, तो द्वापर युग में बहुत ही सॉलिड हाइट था, बहुत ही अच्छा हाइट था गोवर्धन पर्वत का। लेकिन अभी कलयुग में हाइट डिक्रीज हो गया, अभी बहुत ही डिक्रीज हो गया हाइट। तो 10,000 साल, 10,000 साल ये इस्कॉन मूवमेंट रहेगा, 10,000 साल गंगा मैया रहेगा, और 10,000 साल अगले 10,000 साल गोवर्धन पर्वत रहेगा। तो 10,000 साल के बाद जब इस्कॉन मूवमेंट भी चला जाएगा, तब
उसी टाइम पे माँ गंगा भी चला जाएगा और गोवर्धन पर्वत भी चला जाएगा, वो पूरा हाइट जीरो हो जाएगा तब। और उस टाइम पे घोर कलयुग स्टार्ट होगा। अभी तो घोर कलयुग का कुछ कुछ सिम्टम दिखाई दे रहा है, देखिए कितना अटैक हो रहा है बांग्लादेश में, ये वो, ये सब घोर कलयुग का इफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा वो एक मतलब ट्रेलर है ये सब। और उस 10,000 साल जब पार हो जाएगा तब क्या होगा, तो घोर कलयुग आएगा। वो 432,000 साल ये कलयुग का टोटल स्पैन है। तो इसी लाइफ में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत प्रोसेस को अच्छा से लेके इसी लाइफ के बाद ही भगवान के धाम पे लौट के जाने का कोशिश करना चाहिए हम लोग। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, परफेक्टली कंप्लीट नहीं होगा, तब क्या इसमें डेंजर है? अगर परफेक्टली कंप्लीट नहीं कर पाए तो देवता का रूप में जन्म लेना पड़ सकता है, क्योंकि पायस एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, पाप उतना पाप नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो देवता होके अगर जन्म लेंगे तो देवता का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है। देवता का लाइफ स्पैन में अपना लाइफ बिता दिया, फिर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जब लेने आएंगे मेटेरियल वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में, तब तक 10,000 साल पार हो जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा। उस टाइम पे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए चांस नहीं लेने का है। इसी लाइफ में कृष्ण भावनामृत को प्रोसेस को कंप्लीट करने का कोशिश करना चाहिए हम लोग। तो वृंदावन में देखिए, यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का एक फोटो दिया गया है। गोवर्धन हैज ग्रास दैट इज फ्रैग्रेंट एंड कंड्यूसिव टू द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ काउज एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो शास्त्रों में तीन हरिदास के बारे में बोला गया है, श्री हरिदास। एक है गोवर्धन पर्वत, एक है उद्धव, कृष्ण का फ्रेंड उद्धव जी, और एक है युधिष्ठिर महाराज। शास्त्रों में ये तीन हरिदास, फेमस सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण, इज मेंशन्ड। और उसमें इन तीनों में हरिदास वर्य, इस श्लोक में हम लोग जो देखे, हंतायम आविर अबला हरिदास वर्यो, तो हरिदास, तीन हरिदास में सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? गोवर्धन पर्वत, हरिदास वर्यो, द टॉपमोस्ट अमंग ऑल द सर्वेंट्स ऑफ हरि, लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्ण, हरिदास वर्यो। तो गोवर्धन, गोवर्धन के जो वृंदावन में तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी स्पेशल इन वृंदावन। जो जो ये तीन चीज कृष्ण के टाइम पे भी था, अभी भी है। थ्री थिंग्स आर देयर स्टिल नाउ, सेम एज इट इज सेम। गोवर्धन पर्वत नंबर वन, जो कृष्ण ने लिफ्ट किया वही है अभी भी। यमुना नदी वही है, जो कृष्ण के टाइम था वही यमुना नदी अभी भी है। और द डस्ट ऑफ ब्रज, ब्रज का धूल जो है, हम लोग जब जाते थे वृंदावन, हम लोग ब्रज का धूल में लोट पोट खाते थे, तो ब्रज का धूल सेम धूल है। रमन रेती, जहां पर कृष्ण बलराम काउहर्ड फ्रेंड्स दे यूज्ड टू प्ले रमन रेती, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट टैल्क पाउडर लाइक डस्ट ऑफ वृंदावन। जब गोवर्धन परिक्रमा हम लोग करते हैं तो उसी मार्ग में जो जो डस्ट आता है, जो धूली होता है, जो गोवर्धन पर्वत के साइड में, द सैंड इज सो सॉफ्ट, जस्ट लाइक ए टैल्क पाउडर, इट इज सो सॉफ्ट, द डस्ट ऑफ वृंदावन। So that is the greatness of Vrindavan Dham. The same, these three things are same as it is. The Krishna ke time pe tha, abhi bhi hai. The dust of Braja, river Yamuna and Govardhan. So ek main kahani bataunga Govardhan Parvat ka mahima ke baare mein, bahut hi thrilling ye kahani hai. To ek baar kya hua, एक तो ब्राह्मण था, बहुत बहुत साल पहले का, कृष्ण के टाइम का कहानी है, कृष्ण जब था उसी टाइम पर ये हुआ फर्स्ट टाइम। तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विजय, विजय बोल के एक ब्राह्मण था।
तो विजय क्या किया, वो ये जो विजय है ये यमुना के तट में गया, यमुना के तट में गया, यमुना में ये स्नान किया, फिर वो गोवर्धन पर्वत के पास गए और गोवर्धन का परिक्रमा किया। वो क्यों गोवर्धन का परिक्रमा कर रहा था, कि वो इसलिए गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था ताकि वो उनका जो फोर फादर्स है, जो पूर्व पुरुष है, उनका उद्धार कर पाए, इसलिए गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था। ये ब्राह्मण विजय, तो वो बहुत दूर से आया था, वृंदावन में आया, गोवर्धन परिक्रमा किया, गोवर्धन उसको बहुत अच्छा लगा, गोवर्धन स्पेशली गोवर्धन का जो गोवर्धन पर्वत का जो रॉक्स है ना, वो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो ये क्या किया, गोवर्धन परिक्रमा करते करते एक तो पत्थर गोवर्धन शिला उठा लिया और अपना पॉकेट में घुसा लिया, जो कि एक्चुअली ये विजय ये किया, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। तो हम लोग भी जब जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करने, गोवर्धन में कोई शिला नहीं उठाना चाहिए। तो हो सकता है कि अगर कोई एग्जॉल्टेड पर्सन, कोई बहुत ही महान व्यक्ति अगर गोवर्धन शिला देता है तब ठीक है, तब उसको पूजा किया जा सकता है। अदरवाइज अपने आप जाके गोवर्धन में पत्थर उठा लेना, गोवर्धन शिला को उठा लेना, ये सही बात नहीं है। इट्स ऑफेंस टू गोवर्धन हिल टू कृष्ण। तो अभी ये जो विजय है, हो सकते कि कोई पुजारी उसको दिया था, गोवर्धन में कोई पुजारी पूजा कर रहा है, उसको गोवर्धन शिला दिया, या फिर वो खुद से उठा लिया, बट ही टुक वन ऑफ द गोवर्धन शिलास एंड ही केप्ट इट इन हिज पॉकेट। तो फिर वो चला गया, वहां से गोवर्धन परिक्रमा हो गया, फिर वहां से निकल गया, तो दूसरा जगह पे गया, जो ब्रज का दूसरा जगह पे गया, तो यमुना के सामने था, वो यमुना के पास में ही था। तो सडनली क्या हुआ, सडनली फ्रॉम नो वेयर सडनली एक बहुत ही खतरनाक एक राक्षस, तीन मुख वाला राक्षस उसके तरफ दौड़ के आ रहा है। तीन मुख वाला राक्षस, यहाँ पे आप छवि में देख सकते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं, थ्री हेडेड डीमन, और तीन तो मुख था उसका और छह तो हाथ था उसका और बहुत सारा पैर था उसका, बहुत ही डेंजरस लुकिंग राक्षस। तो उसके तरफ, विजय की तरफ दौड़ के आ रहा है, दूर से उसको देख रहा है और उसी की तरफ दौड़ के आ रहा है उसको खाने के लिए, विजय को। तो विजय बहुत डर गया। तो विजय के पास वो राक्षस आ गया विजय को खाने के लिए, और विजय अपना पॉकेट से अपने आप को रक्षा करने के लिए वो पॉकेट से गोवर्धन शिला निकाला और इनके ऊपर थ्रो किया, ये राक्षस के ऊपर थ्रो किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये राक्षस का चेस्ट का वहां पे गोवर्धन शिला का पिक्चर दिया हुआ है, ये गोवर्धन शिला है। तो फिर क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस राक्षस का पास्ट लाइफ थोड़ा जान लेते हैं। ये राक्षस कैसे इस राक्षस शरीर में आया वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो विजय तो अपनों का अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए वो गोवर्धन पर्वत फेंक दिया, तो राक्षस का पास्ट लाइफ में आते हैं। बहुत साल पहले एक वैश्य वेल्दी मर्चेंट रहा करता, वृंदावन के उधर ही रहता था। तो ये वेल्दी मर्चेंट वो बहुत पायस था, वो बहुत ही पायस व्यक्ति था, लेकिन उसका जो बेटा है ना, वो बेटा बहुत बदमाश टाइप का बेटा हुआ उसका।
मार्चेंट बहुत अच्छा था, उसका वाइफ भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बेटा बहुत बदमाश टाइप का निकला, तो ड्रंकर्ड हो गया, दारू पीने लगा बेटा और बहुत ही खराब खराब काम करने लगा, कुछ एक हाथ तो मर्डर भी कर दिया वो बेटा, तो बहुत ही गड़बड़ लाइन में चला गया बेटा। और एक दिन क्या हुआ, उसका पेरेंट्स को भी मार दिया, खाने में जहर दे के, ये जो बेटा है उसका मम्मी पापा को मार दिया खाने में जहर दे के। तो फिर वाइफ रह गया, तो वाइफ उसको बोला कि क्या किया आप, ये गलती क्यों कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, आप सही लाइन पे आ जाइए। हाँ, तो वाइफ को क्या किया, एक तो तलवार निकाल के उसका गला काट दिया वाइफ का। अच्छा बात बोल रहा था, सुना अच्छा नहीं लगा सुनने में, तो वाइफ का गला काट दिया, वाइफ भी मर गया, मम्मी पापा को भी मार दिया। और फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट को लेके आया घर में, तो प्रोस्टिट्यूट के लेके आके बहुत सेक्स किया उसके साथ, सेक्स एंजॉयमेंट किया। और फिर जब प्रोस्टिट्यूट को मेंटेन करने में मुश्किल हो रहा था, तब वो लूटपाट चालू कर दिया, डकैती चालू कर दिया। तो डकैती करके भी प्रोस्टिट्यूट को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा था, मेंटेन कर भी ले रहा था लेकिन प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स एंजॉयमेंट करते करते प्रोस्टिट्यूट बुढ़ी हो गई थोड़ा, उसका सेक्स पावर चला गया। और ये 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 लड़का सोचा कि अरे अभी तो सेक्स नहीं दे पा रहा है प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट को भी मार दिया। कैसे मार दिया, ये पूरा कहानी गर्ग संहिता में दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है इसका। तो कैसे उसको मार दिया, उसको एक कुआं में फेंक दिया प्रोस्टिट्यूट, और कुआं खाली था, ड्राई वेल था, भरा हुआ कुआं नहीं था, तो उस कुआं में उसको फेंक दिया, तड़पते तड़पते वो प्रोस्टिट्यूट भी मर गया। और उसके बाद ये तो बहुत बड़ा टेररिस्ट बन गया ये व्यक्ति, उस वेल्दी मर्चेंट का बेटा, वो टेररिस्ट बन के लूटपाट करता था, डकैती करता था, लोगों को मारता था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड एक्चुअली, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही ये सिंफुल लाइफ बिता रहा है, वो इतना पाप का जीवन वो बिता रहा है, तो ऐसे करते करते एक दिन जंगल में एक कोबरा सांप का ऊपर वो पैर रख दिया, कोबरा सांप उसको काट दिया और वो मर गया सडनली वन डे। तो कोबरा सांप का जहर से उसका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हुआ उसका, उसी टाइम पे यमदूत आ गया, बहुत ही खूंखार यमदूत, हम लोग देखते हैं अजामिल का कहानी में यमदूत आए, तो यमदूत लेने आ गया उसको विथ माइटी क्लब्स एंड रोप्स टू कैच द सोल एंड टेक टू यमराज कोर्ट। तो यमदूत आके उसको लेके चला गया यमराज के पास, यमराज के पास गया, यमराज बोला कि इसका, चित्रगुप्त को बोला इसका इसका पूरा अकाउंट निकालो, देखा कि बहुत ज्यादा पाप किया है, बहुत ही ज्यादा पाप किया है, अनलिमिटेड सिंस ही डिड, तो उसको सफरिंग भुगतना पड़ेगा, उसको कष्ट भुगतना पड़ेगा, तो इसको नरक में भेज दिया उसको, करोड़ों साल वो नरक में कष्ट पाया, करोड़ों करोड़ों साल। उसके बाद भी जब उसका ये नरक में कष्ट पाना खत्म हुआ, तब यमदूत बोला कि इसका नरक में कष्ट पाना खत्म हुआ, अभी क्या करे, फिर भी उसको नहीं छोड़ा, पहले उसको बोला कि 10 बार सुअर होके जन्म लेना पड़ेगा इसको, 10 बार्थ्स एस पिग, और हर एक बार्थ में पिग को मनुष्य पकड़ पकड़ के वो काट के खाया मनुष्य लोग, 10 बार से टू कैस पीक, उसके बाद भी नहीं छोड़ा उसको, 100 जन्म टाइगर का जन्म देना पड़ा उसको। ये पूरा गर्ग संहिता में है ये कहानी, टाइगर का जन्म लिया 100 जन्म, टाइगर का 100 जन्म हुआ, फिर कैमल का 100 जन्म हुआ, ऊंट का 100 लाइफ्स एज कैमल, और रेगिस्तान में कैमल रहता है, बहुत ही कष्ट एनवायरमेंट है। और कैमल का 100 जन्म खत्म हुआ तो बाफेलो का जन्म हुआ, बाफेलो को भी
लोग काट के खा जाता था, उसी 100 जन्म जो बाकी लोग का जन्म मिला, हर एक जन्म में आदमी लोग काट के खा जाता, 100 जन्म बफेलो, बफेलो का जन्म के बाद 100 जन्म सांप होके जन्म लिया, स्नेक बॉडी, और हर एक बार लोग ढूंढ ढूंढ के उसको निकाल निकाल को कुछ नहीं करता था, निकाल के उसको मार देता था, किसी को काटता भी नहीं था, फिर भी उसको निकाल के मार, सांप को मारता है ना लोग, 100 जन्म सांप को जन्म लिया और हर एक जन्म में मार दिया उसको लोग, फिर भी पूरा पूरी नहीं छोड़ा। तो मेटेरियल नेचर का जो लॉस है इतना स्ट्रिंजेंट है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। हर एक एक्टिविटी हम लोग का चित्रगुप्त का वो अकाउंट में है, यद्यपि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग जमराज का इफेक्ट से दूर है। तो 100 जन्म सांप के बाद उसको ये राक्षस का जन्म मिला, नॉर्मल ह्यूमन बींग का जन्म नहीं मिला, राक्षस का जन्म मिला। कहाँ पे जन्म मिला? राजस्थान का डेजर्ट में जन्म मिला, राक्षस का जन्म। 3 हेड, 6 हाथ, बहुत सारा पैर, बहुत खूंखार देखते हुए राक्षस। तो ये राक्षस जब वो राजस्थान में जन्म लिया तो वो देखा कि इधर पे पानी नहीं है, तो पानी का वो बहुत अभाव, बहुत स्कार्सिटी महसूस कर रहा था पानी का। तो वो सोचा कि हमको दूसरा जगह शिफ्ट होना, और दूसरा जगह पे जब जाता था आदमी को पकड़ के खा जाता था, वो इस तरीके से भूख मिटाता था, कहीं पर नदी नाला मिल गया पानी खा पी लेता था वहां से। तो इस तरीके से राजस्थान से वो कहाँ आ गया? वृंदावन की तरफ आ गया। वृंदावन इज क्लोज टू राजस्थान, इस मतलब बॉर्डर ऑफ राजस्थान होंगी। तो ब्रजधाम पे वो आ गया, तो वहां पे यमुना नदी देखा, यमुना में क्या किया? यमुना का पानी पिया ये राक्षस। यमुना का पानी पी के थोड़ा अपना जो थर्स्ट है, जो तृष्णा है, वो मिटाया, और फिर देखा कि ये ब्राह्मण विजय को देखा वो राक्षस, तो सोचा कि अभी पानी पीना हो गया, अभी इस ब्राह्मण को खा के मेरा भूख मिटा दूंगा मैं। तो ये विजय का तरफ दौड़ के आ रहा है, दूर से देख रहा है उसको। तो विजय के पास जब ही आ गया, विजय अपना पॉकेट से गोवर्धन शिला को निकाला और उसके तरफ थ्रो कर दिया, और जब ही थ्रो किया उसके छाती में गोवर्धन शिला टच हुआ, एंड एट दैट वेरी मोमेंट दिस डीमन, दिस राक्षसा ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल बॉडी, जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसको सारूप्य मुक्ति मिल गया, सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान कृष्ण का तरह शरीर, एकदम वैसा ही शरीर कृष्ण का तरह, वो सारूप्य सेम रूप एज लॉर्ड कृष्ण, बट नॉट लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ, इसको सारूप्य मुक्ति बोला जाता है। तो गोवर्धन शिला के टच से ही उसको मिल गया स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी मिलने के तुरंत वो समझ गया, और ये ब्राह्मण को प्रणाम करने लगा, विजय को प्रणाम करने लगा कि आप कितना महान ब्राह्मण हैं, आपका कृपा से मेरे को स्पिरिचुअल बॉडी मिल गया है। स्पिरिचुअल बॉडी मीन्स नो मोर बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। और उसी स्पिरिचुअल बॉडी में वो उस वैकुंठ धाम से, गोलोक वृंदावन धाम से जो गोल्डन चैरियट आया, स्पिरिचुअल रथ, उसको लेने के लिए आ गया, और इस व्यक्ति को जिनको स्पिरिचुअल शरीर मिल गया, राक्षस था, वो गोलोक वृंदावन में लौट के चला। तो देखिए गोवर्धन पर्वत का कितना महत्व है, जस्ट बाय द टच ऑफ गोवर्धन हिल, वन ऑफ द स्टोन्स ऑफ गोवर्धन हिल,
He transformed into a very beautiful spiritual body. And he went back home, back to Godhead. Spiritual world mein, Bhagwan ke dham pe, lot ke chala gaya. So, ji, kitna janam kasht paya tha, narak mein bitaya, kitna papi tha, kitna kasht hua tha usko. But by the mercy of Giri Govardhan, he got the chance to go back to the spiritual world, never to return to this temporary, miserable, material world. No more birth, old age, disease, and death. To be with Krishna in the association with his devotees in the spiritual world. That is the greatness of Giriraj Govardhan. But of course, we should not pick up any stone when we are doing Giriraj Parikrama and put it in our pocket. That is offense. If an exalted person gives us, then we can take it and worship. Otherwise, we should not take any stone from Vrindavan and bring it to our home. That is offense to Vrindavan Dham. So Giriraj Govardhan, Giriraj, Bhagwan jab uthaya, Govardhan ko jab uthaya, to samasta Vrajvasi, all the Vrajvasis were inside this Govardhan Parvat. Or Krishna specially inka taraf dekh raha tha. Krishna was seeing towards Srimati Radharani and the gopis. So Srimati Radharani or Gopiya, wo chahte the ki Krishna ko 24 hours unka association mile, unka sang mile. Generally kya hota tha, Gopiya ko sang milta tha kis time pe? Midnight pe, raat mein. रात में संग मिलता था कृष्ण को, दिन में नहीं मिलता था. दिन में गोप बालक लोगों को कृष्ण का संग मिलता था. इन गोपियां चाहता था कि 24 आवर कृष्ण का संग मिले. इसलिए 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा. 24 hours 24 into 7. The gopis got the association of Krishna and Krishna got the association of gopis and all the Brajvasis together. This is one of the reasons why Krishna performed this Govardhan pastime. So that every devotee of Vrindavan, all the devotees of Vrindavan can get the association of Krishna 24 hours. Jo gopo balak tha, wo log socha tha, din mein hi Krishna ko milta tha. रात में कृष्ण का एसोसिएशन नहीं मिलता था, बहुत दुखित हो जाता था. तो 24 आवर्स उसको मिला भगवान को. और 7 दिन 7 रात तक कृष्ण बिना खाए रहा गोवर्धन पर्वत उठा के. तो माँ यशोदा बहुत चिंतित हो गया कि बिना खाए मेरा बेटा क्या होगा, वो तो बहुत वीक हो जाएगा. तो जनरली कृष्णा 3 घंटा में एक बार खाता है. हमारा वैदिक लिटरेचर शास्त्र कितना डिटेल्स में देता है, देखिए इतना डिटेल्स में भगवान के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं है. दूसरा रिलीजियन में तो भगवान का नाम तक क्लियरली बताया नहीं है, लेकिन वैदिक लिटरेचर में भगवान का नाम, भगवान का 24 आवर्स में क्या क्या करता है, एवरी डिटेल्स, क्या पहनता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, सब कुछ डिटेल्स में है वैदिक लिटरेचर में. बाइबल में है इतना डिटेल्स में नहीं, कुरान में है इतना डिटेल्स में नहीं. इज द ग्रेटनेस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स. कृष्ण कब कब खाता है सब दिया गया. दिन में 8 बार खाता है कृष्ण, 24 आवर्स होता है दिन में, 8 बार खाता है, 3 घंटा के बाद बाद खाता रहता है कृष्ण. माँ यशोदा खिलाती है. तो 3 आवर्स, एवरी 3 आवर्स कृष्णा इज टू ईट. तो एक दिन में 8 बार हुआ, तो एक हफ्ता में कितना हुआ, 8 into 7, हाउ मच, 56. तो ये जो 56 भोग का कोई कॉन्सेप्ट आया है वो ये गोवर्धन पर्वत से ही आया है. जगन्नाथ जी को 56 भोग लगता है. 56 नंबर कैसे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. कृष्णा 7 दिन 7 रात नहीं खाया था, 8 into 7, 56 टाइम्स उसको नहीं खाया था. तो जब गोवर्धन पर्वत को उतारा तो माँ यशोदा सबके लिए फीस्ट बोलाया,
कृष्ण 56 भोग जितना भी नहीं खाया 7 दिन वो पूरा कृष्ण को खिलाया जाएगा और सबको खिलाया जाएगा। 56 भोग का यही यही पर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ 56 भोग का। सो दैट इज सिग्निफिकेंस। तो एक बार रामलीला में क्या हुआ, ये लास्ट लीला बोल के मैं खत्म कर दूंगा। तो गोवर्धन पर्वत तो आया था, कब आया था, सत्ययुग में आ गया था। तो सत्ययुग में सत्ययुग से द्वापर युग ये तीन युग में गोवर्धन पर्वत खड़ा रहा वहां पे। तो गोवर्धन पर्वत काफी थोड़ा नेग्लेक्ट हो रहा था, सत्ययुग में भी नेग्लेक्टेड हुआ, द्वापर युग में भी नेग्लेक्टेड हुआ, सॉरी त्रेता युग में नेग्लेक्टेड हुआ, द्वापर युग में भी नेग्लेक्टेड हुआ। तो द्वापर युग का एंड में कृष्ण आया तो काफी उसमें धूल जम गया था, मतलब थोड़ा अनक्लीन हो गया था गोवर्धन जी। तो इसलिए कृष्णा उसको 7 दिन से उसको धोया, इंद्र का बारिश से 7 दिन उसको धोया, तो पूरा चकाचक क्लीन हो गया एकदम। उसके बाद कृष्णा और लीला किया उसने गोवर्धन ने। तो रामलीला में क्या हुआ, रामचंद्र भगवान ने ऑर्डर दे दिया, जब रामचंद्र ब्रिज बना रहा था, इंडिया से लंका का ब्रिज बना रहा था जब, तब हनुमान और बानर सेना को ऑर्डर दिया रामचंद्र ने, जाओ पत्थर लेके आओ। हनुमान जी बहुत सारा पत्थर लाया, फिर और पत्थर लाने बोला भगवान रामचंद्र ने। तो हनुमान जी कहाँ आ गया, गोवर्धन पर्वत में आ गया। तो हनुमान जी तो गोवर्धन भी चाहता था कि राम का सेवा में लगेगा, गोवर्धन तो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो जब तो हनुमान जी गोवर्धन को बोला कि ठीक है अभी तुमको राम का सेवा में लगना है। गोवर्धन खुश हो गया, ठीक है अरे बोल हरे कृष्णा राम का सेवा में लगेंगे। हाँ तो गोवर्धन बोला ठीक है मेरे को लेके चलिए। तो राम का सेवा के लिए गोवर्धन अपना जगह शिफ्ट करने के लिए तैयार है, अदरवाइज ही इज नॉट रेडी टू शिफ्ट हिज प्लेस। तो हनुमान जी गोवर्धन को उठा लिया, हाथ में उठा लिया, और तुरंत उसी टाइम पे रामचंद्र जी क्या किया, शंख बजाया वहां पे लंका में, ब्रिज जब कंप्लीट हो गया तब शंख बजा दिया। तो ब्रिज कंप्लीट होने के बाद ये सिग्नल है कि ब्रिज कंप्लीट हो गया, शंख बजना मतलब ब्रिज कंप्लीट हो गया। तो हनुमान जी फिर क्या किया, गोवर्धन को रख दिया। गोवर्धन बोला अरे तुम मेरे को नहीं लेके जाएगा, बोला उधर ब्रिज कंप्लीट हो गया, शंख का आवाज सुनाई दिया मेरे को, ब्रिज कंप्लीट हो गया, आपका भी जरूरत नहीं है। बोला गोवर्धन बहुत गुस्सा गया, अरे भाई क्या है तुम, तुम मेरे को बोला कि भगवान का सेवा में लगेगा, फिर सब कुछ रेडी है चलने के लिए, फिर तुम बोलता है नहीं करेगा, ये कैसा बात हुआ, ये बहुत गलत बात है, ये किसी को फीस्ट में बुलाया, हाँ फीस्ट का प्लेट सामने रख दिया, फिर बोला कि उठ के चला जाओ, नहीं खाने देंगे, ये कैसा बात हुआ, ये थोड़े अच्छा बात नहीं, तुम मेरे को वरदान दो। तो हनुमान जी बोला क्या वरदान दो, तुम्हारा जो इच्छा वरदान दो तुम। तो हनुमान जी बोला कि तुमको द्वापर युग में भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण के रूप में आएगा, तब तुमको पूरा अटेंशन मिलेगा। गोवर्धन बोला अरे ठीक है और वरदान दो तुम मेरे को। तो हनुमान जी बोला ठीक है और वरदान देते हैं। तो कृष्ण का जैसे रामचंद्र जब ये ब्रिज क्रॉस कर रहा करेगा तब हर एक स्टोन पे एक ही बार रामचंद्र का स्टेप गिरेगा, एक बार ही रामचंद्र का जो लोटस फीट है पाद पद्म है वो एक ही बार एक स्टोन में गिरेगा। लेकिन तुम्हारा इतना सौभाग्य होगा द्वापर युग में जब कृष्ण आएगा तब कृष्ण का लोटस फीट तुम्हारे ऊपर बार बार पड़ेगा, एवरी डे तुम्हारे ऊपर ये भगवान का चरण वो रहेगा, तुम्हारा इतना सौभाग्य होगा। गोवर्धन बोला कि नहीं इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मेरे को वरदान दो। गोवर्धन थोड़ा सा संतुष्ट नहीं होता है,
गिरिराज गोवर्धन का जिस दिन पूजा हो रहा था, इतना खा रहा था गोवर्धन, इतना खा रहा था, हाँ फिर बोला और लाओ और लाओ और लाओ। भागवतम में दिया गया गोवर्धन थोड़ा में संतुष्ट नहीं होता है। तो फिर हनुमान जी बोला कि ठीक है, तुमको भगवान 7 दिन 7 रात तक अपना हाथ में लेगा, उठा के रखेगा। तब गोवर्धन बोला ठीक है, ये थोड़ा अभी मैं संतुष्ट हूँ थोड़ा। तो ये हनुमान जी वरदान दिया गोवर्धन को। तो गोवर्धन लीला के माध्यम से कृष्णा अर्जुन कृष्णा इंद्र का प्राइड को नष्ट किया, इंद्र का जो अहंकार हो गया था वो नष्ट किया। इंद्र का अहंकार क्यों हो गया था? इंद्र का अहंकार हो गया था जब भी मेटेरियल ऑपुलेंस होता है तब अहंकार हो जाता है। पोस्ट पोजिशन पावर मेटेरियल मनी जब भी रहता है तब अहंकार आ जाता है। तो इंद्र का बहुत बड़ा हाई पोस्ट है, देवता में राजा है, तो कहीं बार अहंकार आ जाता है। लेकिन जब इंद्र सब कुछ अपने आप को भगवान के सेवा में जब लग जाता है तब इंद्र उनका प्राइड भगवान ही टेक्स केयर कृष्णा टेक्स केयर दैट उनका भक्तों का प्राइड नहीं ज्यादा बढ़ ना जाए, तो कृष्णा रिड्यूस कर देता है, समझा देता है इंद्र को कि तुम मेरा सर्वेंट है। तो जो प्राइड का मेन कारण क्या है, इज देयर एक्सपेक्टिंग एक्सपेक्टेशन इज द कॉज। इंद्र एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका पूजा करते रहेगा सब लोग, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंद्र एंड दैट वाज द कॉज ऑफ हिज प्राइड एक्चुअली। इफ वी एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स then expectation, that expectation gives us suffering actually. Indra was thinking that उनका ही पूजा चलेगा सारा जीवन तक, जब पूजा देना बंद हो गया तो वो गुस्सा गया। that is material pride actually, forgetting, and this material pride comes when you forget that Krishna is the supreme lord, Krishna सब कुछ का मालिक है। जो भी इंद्र को बोलिए कि हम लोग को बोलिए, जो भी दे रहा है कृष्णा दे रहा है, कृष्णा के पावर से, पावर के बिना कुछ नहीं संभव है। इसलिए हम लोग को भी क्या चाहिए, हम लोग को भी जो मिला है उससे हम लोग को भगवान का सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए उसको। भगवान किस लिए दिया हम लोग, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ किस लिए दिया है हम लोग को, तो कोई जानवर का भी शरीर दे सकता था। भगवान इसलिए दिया है हम लोग इस शरीर को यूटिलाइज करें भगवान का सेवा में। That is why Krishna gave this human form of life. If we misutilize it, what will happen? We will not be given human form of life in the next life. So we have to utilize everything in Krishna's service. That is the significance. If we have got a big position, if we have got a big bank balance, whatever opulence we have got, we should utilize in Krishna's service. That is the success of this human form of life. Because Krishna wants that we love and serve him, and that is not for his benefit, that is for our benefit, so that we can go back to the spiritual world and we can be ever happy in his association. So that is the significance of the Govardhan pastime, the glories of the hill Govardhan. So I was also thinking that, you know, to tell something about Radha Kunda, appearance of Radha Kunda and Shyam Kunda. So time is not permitting tonight. So I am ending here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now the forum is open for question and answers. If anybody have any questions, can